हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं मनोज, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल इंटीरियर ज्ञान में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे किस तरीके से हाइड्रोलिक जो बिड होता है उसका जो टाप बनाया जाता है उसको किस तरीके से ज्वाइंट करें, क्योंकि दोस्तों जो हमारा हाइड्रोलिक बिड का टाप होता है काफ़ी लंबा चौड़ा हो जाता है, उसमें दो प्लाई को ज्वाइंट किया जाता है प्रॉपर। उसको किस तरीके से ज्वाइंट करना चाहिए कि जो हमारा जो बिड का टाप है वो मजबूत रहे, तो चलिए फिर दोस्तों आज हम इसी के बारे में जानेंगे और प्रैक्टिकली करके देखेंगे। तो चलिए फिर दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को जरूर प्रेस करो ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए फिर दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। उम्मीद करेंगे दोस्तों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो चलिए फिर दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों देख सकते हैं, ये रहा हमारा हाइड्रोलिक बेड का बॉक्स। इसके ऊपर दोस्तों हम लोग टॉप को बनाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग दो प्लाईवुड को कटिंग करेंगे कुछ इस तरीके से। दोस्तों एक जो हमारा प्लाईवुड है पूरा 4 फीट है और एक प्लाई है दोस्तों जिसको हमको ऐड करना है उसके साथ में। जितना भी दोस्तों आपका बेड का चौड़ाई रहे उससे दोस्तों आपको कम से कम 12 इंच अधिक का एक और टुकड़ा लेना है, क्योंकि दोस्तों 12 इंच लगभग दोस्तों इसको हम लोग अंदर फंसाएंगे। तो आपको जितना भी चौड़ाई बेड का रखना है उससे 12-13 इंच ज़्यादा ही दूसरा टुकड़े को रख लेना है। अब उसके बाद दोस्तों सिंपली हम लोग कुछ इस तरीके से ये जो हमारा 4 फीट का टॉप है, या फिर दोस्तों चाहे तो कम वाला या फिर ज़्यादा वाला, उसी में दोस्तों सबसे पहले हम लोग 12 इंच पर एक निशान लगाएंगे, क्योंकि दोस्तों हम लोग कम से कम 12 इंच इसको एक दूसरे से अंदर करेंगे फंसाएंगे, क्योंकि दोस्तों इससे जो हमारा टॉप का मजबूती है काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग एक निशान लगा लेते हैं एक 12 इंच पे। आपको भी इस तरीके से 12 इंच पे निशान लगा लेना है। काफ़ी इजी प्रोसेस है दोस्तों हाइड्रोलिक जो हमारा बेड होता है उसका टॉप को बनाना। आप भी इस तरीके से देख करके बड़ी आसानी के साथ बना सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं मार्क लग चुका है। और इसके बाद दोस्तों हम लोग एक सेंटर में जो हमारा प्लाई का जो लेंथ है उसके सेंटर में एक निशान लगाने के बाद दोनों साइड से दोस्तों हम लोग 10-10 इंच बढ़ा करके दोस्तों टोटल 20 इंच बीच में निशान को लगा लेंगे। और बाहर की साइड में दोस्तों इस तरीके से छोटा छोटा निशान लगा लेंगे और एक जो हमारा लाइन बनाया था उसमें राइट एंगल की सहायता से निशान को लगा लेना है। अभी इसको दोस्तों हम लोग थोड़ा सा इसको क्रॉस करेंगे अंदर की साइड से, तो जो हमारा दोस्तों बाहर की साइड में जो निशान था उससे दोस्तों हम लोग 3 इंच अंदर एक निशान लगा लेंगे, क्योंकि दोस्तों हम लोग इसको क्रॉस करेंगे तब जाके ये मजबूत होगा। तो जो हमारा अंदर वाला लाइन पर जो निशान लगाया था दोस्तों उसको हम लोगों ने वहीं पर रखा हुआ है, और जो हमारा प्लाईवुड का बाहर का हिस्सा है जो बाहर की धार है उस तरफ हम लोगों ने अंदर की साइड में 3 इंच का क्रॉस किया हुआ है। आपको सिंपली इस तरीके से निशान को लगा लेना है बीच में 20 इंच का लगाने के बाद। उसके बाद दोस्तों हम लोग सिंपली यहाँ पे भी आगे की साइड में 20 इंच पे निशान लगा लेंगे और उसको राइट एंगल की सहायता से कुछ इस तरीके से निशान लगाने के बाद सिंपली इसको उस साइड में दोस्तों हम लोग अंदर की साइड में करेंगे जिस साइड में हम लोगों ने लाइन को लगाया हुआ था। अंदर करने के बाद एक सिंपली निशान लगा लेंगे, तो ये हमारा दोस्तों एक साइड का कम्प्लीट हो जाएगा। और इसी तरीके से दोस्तों हम लोग इस साइड में भी 20 इंच पे बाहर की साइड से निशान लगा लेंगे, क्योंकि अंदर की साइड में दोस्तों हम लोगों ने 20 इंच रखा हुआ था, तो बाहर की साइड में इस बार हम लोग 20 इंच पे निशान लगाने के बाद राइट एंगल से छोटा सा एक निशान लगा लेते हैं जो हमारी लाइन थी। अब उसके बाद हम लोग टेप की सहायता से इसको 3 इंच अंदर कर देंगे। आप चाहे तो जो क्रॉस करने का 3 इंच दोस्तों या 4 इंच कुछ भी आप क्रॉस कर सकते हैं, फिर भी मिनिमम दोस्तों आपको 3 इंच का क्रॉस रखना है। अभी दोस्तों देख पा रहे हैं हमारा जो निशान था वो लग चुका है, अभी इसको कटिंग करना पड़ेगा। तो दोस्तों देख सकते हैं जो हमारा बीच का हिस्सा है और किनारे किनारे का उसी को दोस्तों हम लोग इसको कटिंग करके निकालेंगे। दोस्तों सबसे पहले जो हम लोगों ने लाइन को लगाया हुआ था उसी पर बॉटम रख करके जिधर जिधर साइड में कटिंग करना है उसको थोड़ा सा संभाल करके दोस्तों आपको ज़्यादा नहीं कटिंग करना है जिस तरीके से लाइन लगा हुआ था, और जिस जिस एरिया में कटिंग करना था उसी को आपको कटिंग करना है, आपको गड़बड़ नहीं करना है। अगर आप थोड़ा सा गड़बड़ कर देंगे दोस्तों, अगर बीच की जगह पे अगर आप उसके बगल वाला को कटिंग कर देंगे तो प्रॉपर ये
नहीं फंस पाएगा। तो आपको यहाँ पे दोस्तों देख पा रहे हैं, हम लोगों को बीच वाला निकालना था और किनारे किनारे का। तो अभी दोस्तों ये हमारा जो कटिंग करने का प्रोसेस है, यहाँ पे किनारे का और बीच का इधर करेंगे पूरा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे जो हमारा कटिंग करने का प्रोसेस है दोस्तों, ये लगभग कटिंग करेंगे। अभी हमारा जो लंबा था उसको हम लोगों ने कटिंग कर लिया हुआ है दोस्तों, देख सकते हैं कुछ इस तरीके से लाइन पर दोस्तों आप लोगों को कटर मशीन की सहायता से जिस भी साइज़ का दोस्तों आप लोगों का कटर मशीन का गेज हो उसी तरीके से दोस्तों आप लोगों को निशान को लगा करके इस लाइन पर आपको इसको कटिंग करके इसके टुकड़े को निकाल देना है दोस्तों। देख पा रहे हैं, अगर दोस्तों ये हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि दोस्तों हम आप लोगों के लिए इस तरह की वीडियो लाते रहते हैं। यहाँ पे दोस्तों देख पा रहे हैं कटिंग करने का जो प्रोसेस था वो लगभग कंप्लीट हो रहा है दोस्तों। देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा बीच वाला भाग है उसको भी हम लोगों ने कटिंग कर दिया है। अभी एक लाइन बचा हुआ है दोस्तों, इसको भी फटाफट से निशान को लगा लेते हैं और लगाने के बाद इसको भी कटिंग करके इसको निकाल देते हैं। तो दोस्तों ये जो हमारा एक तरफ का प्लाई था इसी में दोस्तों थोड़ा सा डिफिकल्ट है, और एक बार जो दोस्तों इसकी कटिंग हो गई तो दूसरी में बड़ी ईजिली तरीके से आप इसको निशान लगा करके इसको बना सकते हैं। तो अभी दोस्तों ये हमारा जो कटिंग का प्रोसेस था ये कम्प्लीट हो चुका है। अभी सभी टुकड़ों को दोस्तों हम लोग इसको अलग कर देते हैं। दोस्तों देख पा रहे हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से दोस्तों हमारा जो एक प्लाई था इस शेप में बन चुका है। तो अभी दोस्तों हम लोग सिंपली ये जो हमारा दूसरा प्लाई था उसको नीचे ही गिरा देंगे और इसको इस तरीके से जो हमारा जो कटिंग हुआ प्लाई है इसको इसको ऊपर रख देते हैं दोस्तों। और इसको दोस्तों आपको सिंपली बराबर ही करके रखना है, और इसके नीचे दोस्तों हम लोग एक प्लाईवुड का टुकड़ा रख देते हैं, क्योंकि दोस्तों ये थोड़ा सा एक साइड में झुका हुआ है। तो सिंपली दोस्तों एक हम लोग इसके नीचे प्लाईवुड का टुकड़ा भी रख दिया हुआ है। अभी इसको दोस्तों हम लोगों ने कुछ को इस तरीके से आपको दोनों टॉप को आप हाइट की साइड से मिला लेना है, और जो हम लोगों ने कटिंग किया था उसको अंदर वाली लाइन से आपको प्लाई को मिलाने के बाद कुछ इस तरीके से दोस्तों आपको निशान को लगा देना है। और निशान लगाने के बाद दोस्तों जो हमारा अभी निशान लग रहा है दोस्तों उसी का आपको कटिंग करके निकालना पड़ेगा। तो दोस्तों ये बहुत इजीली उसके अंदर फिक्स हो जाएगा, और फिक्स होने के बाद दोस्तों हम लोग इसमें जो फास्टनर वगैरह होता है फेविकोल लगा करके फास्टनर लगा देंगे दोस्तों, तो ये जो हमारा टॉप था वो कम्प्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं ये हमारा निशान लग चुका है जिसको कटिंग करना है। तो दोस्तों देख पा रहे हैं यहाँ पे ये रही दोस्तों इसकी मार्किंग, इसी को दोस्तों हम लोग सिंपली इसको निकाल देंगे कटिंग करके। और दोस्तों जो कटिंग करने का प्रोसेस था वो सेम ही रहेगा जिस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने पहले कटिंग किया था। इसके बाद की दोस्तों आप वीडियो देख सकते हैं, ये कम्प्लीट हो चुका है, किसी कारण बस मैं नहीं था तो इसका पूरा वीडियो नहीं बन पाया। फिर भी दोस्तों आप दोस्तों देख पा रहे हैं कुछ इस तरीके से आपको फेविकोल लगा करके इसमें आपको फास्टनर लगा देना है। दोस्तों देख पा रहे हैं ये रहा इसका फास्टनर जो हमारा 1.25 इंच का आता है फास्टनर प्लाईवुड का ज्वाइंट करने के लिए। इसकी सहायता से दोस्तों आप लोगों को दोनों साइड में फास्टनर का यूज़ करना है। दोनों साइड से दोस्तों ठोकेंगे तो काफ़ी ये अच्छा रहेगा और इसका जो पकड़ रहेगा काफ़ी अच्छी तरीके से रहेगा। तो दोस्तों देख पा रहे हैं ये जो हमारा टॉप था वो रेडी हो चुका है। इसमें केवल दोस्तों आप अभी आप इसमें लेमनेट लगा सकते हैं दोनों साइड में। तो चलिए फिर दोस्तों उम्मीद करेंगे आपको हमारा वीडियो पसंद आया, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना।